हेलो दोस्तों दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है एडीसी 12 वाट एलईडी लाइट है और इसको हम आज डायरेक्टली एसी 220 वाट से जलाने वाले हैं। तो दोस्तों इसको हम कैसे जलाएंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों इसे जलाने के लिए हमें सबसे पहले कैपेसिटर लेना होगा। कैपेसिटर दोस्तों मेरे पास 200 वाट का और 22 ईओएफ में है। दोस्तों आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, जैसे 35 वाट और 470 ईओएफ में भी ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यही कैपेसिटर है, मैं इसी को लगा के आपको चला के दिखाने वाला हूं। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना पड़ेगा एक डायबोर्ड जिसका नंबर है IN4007 का यह डायबोर्ड है। उसके बाद में दोस्तों हम लेंगे एक रेजिस्टेंस जो कि ये हाफ वाट में है और इसी से हम इतनी सामान से इस एलईडी 12 वाट डीसी एलईडी लाइट को जलाने वाले हैं। तो दोस्तों इसे हमें बनाना कैसे है ये आप ध्यान से समझ लीजिए। ये कैपेसिटर का जो हमारा माइनस वाला है इस पे हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे और जो प्लस वाला है उस पे हम डायबोर्ड को जोड़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको कनेक्शन करके इजीली एकदम प्रैक्टिकली समझा दूं। तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों डायबोर्ड में जो है एक सिल्वर पट्टी पड़ी रहती है और एक तरफ पूरा ब्लैक रहता है। तो जो सिल्वर पट्टी वाली है दोस्तों उसको हम डायरेक्टली जो है इस डायबोर्ड पे जोड़ देंगे, वो कैपेसिटर पे जोड़ देंगे। दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें जोड़ देना है इसको, एक मिनट दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको जोड़ देना है। और उसके बाद में दोस्तों जो हमारा रेजिस्टेंस है हमको कुछ इस तरीके से, जो हमारा कैपेसिटर का माइनस वाला है उस पर कुछ इस तरीके से जोड़ देना है। कनेक्शन बहुत सिंपल है दोस्तों, आप देख के इजीली कर सकते हैं। जो हमारा माइनस वाला है उस पर हम रेजिस्टेंस को जोड़ दिए हैं और जो हमारा प्लस वाला है उस पर हम डायबोर्ड को जोड़ दिए हैं, डायबोर्ड का जो सिल्वर लाइन है उसको जोड़ दिए हैं। उसके बाद में दोस्तों ये हमारे एलईडी लाइट में जो है एक प्लस और एक माइनस का रहता है, तो हमें प्लस वाला जो है कैपेसिटर के प्लस वाले पे जोड़ना पड़ेगा और माइनस वाले को कैपेसिटर के माइनस वाले पे जोड़ना पड़ेगा। मैं इसको भी जोड़ के आपको दिखा दूं दोस्तों, बहुत इजी है दोस्तों, आप देख के इजीली बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों प्लस वाले को हमने जोड़ दिया है, उसके बाद में अब माइनस वाले को हम कुछ इस तरीके से अच्छे से जोड़ देंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये माइनस वाला भी हमारा जुड़ चुका है, ये देखिए दोस्तों, बस बहुत इजी है दोस्तों, आप देख के इजीली बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों चेक करने के लिए हमने टू पिन प्लग बनाया था, इसी से हम इसको चेक करके आपको दिखा देंगे। तो इसका भी कनेक्शन मैं फटाफट जोड़ दूं, उसके बाद में आपको टेस्ट करके इसको दिखाऊं। तो बहुत इजी है दोस्तों, आप देख के इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हमारा जो 12 वाट का डीसी लाइट है दोस्तों इसको हम डायरेक्ट एसी से जला सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों बस इसकी इतनी वायरिंग है और ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम टेस्ट करके आपको दिखा देंगे दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों हम ले लिए हैं ये एसी 220 वाट है, हमारा सीरीज लाइन है तो इसी में हम इसको पहले लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, उसके बाद में इसको हम सप्लाई देके देखेंगे ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा ग्लो कर रहा है हमारा, ये आपको कैमरे में थोड़ा ब्लिंकिंग दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये जो है एकदम रियल अच्छे से ग्लो कर रहा है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा ग्लो कर रहा है, ये आपको कैमरे में लग रहा होगा कि ये कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन एकदम प्रॉपर ग्लो हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जो वीडियो जो शूट हो रहा है ये मोबाइल कैमरे से हो रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मैं दोबारा एक बार आपको लगा के दिखा दूं। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा हमारा ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो छोटा है, लेकिन वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आशा करते हैं आपके बहुत काम आएगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।